से पूछना चाहती हूँ, अब आप कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रहे और आपसे बिल्कुल सच्चे दिल से ये पूछ रही हूँ, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जब तक आप रियलिटी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, सच्चाई को मानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो आप बदलाव कर नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके राय से कांग्रेस की लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए मैं आपको फिर वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस की अभी की जो स्थिति है उस पर जो असेसमेंट और बहुत क्रिटिकल असेसमेंट करके जो दिया गया उस पर आम राय थी, इंक्लूडिंग ऑल थ्री गांधीज, दे वेयर इन कंप्लीट एग्रीमेंट कि जो असेसमेंट दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कभी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो मैं एक बेकार क्यों तो इस दौर में तीनों असेसमेंट पे और उस असेसमेंट के आधार पर आगे क्या करना चाहिए इस पर कहीं कोई आपस में मत भिन्नता थी नहीं। तो राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे और फिर चेंज होगा कांग्रेस का? ये आप तो आपका इमेजिनेशन है, मैंने ऐसी बात कही कि नहीं कही। तो राहुल गांधी को आपके सजेशंस गवारा थे? भाई मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल पूरी कमिटी को उन्होंने रिटर्न, तो राहुल गांधी थे? बिल्कुल थे, ये आपको जानकारी नहीं है? पहले के जितनी बातचीत हुई है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में हुई है, इस दौर में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इससे पहले इस चार मीटिंग से पहले भी कई मीटिंग हुई जो आपको मीडिया को पता नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर जो मीटिंग एक पूरे ग्रुप की हुई जिसमें राहुल जी भी थे, उसमें ये चर्चा हुई कि ये अब्रॉड है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब्रॉड तो बाद में गए हैं वो, सैटरडे को एक मेरा डेट एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दिन सैटरडे था जब ये मीटिंग हुई, जब पहली बार ये मीडिया में खबर आई कि भाई कांग्रेस का एक कोई ग्रुप बैठ के प्रशांत किशोर के साथ 10 जनपद पे चर्चा कर रहा है, तो उस टेबल पे ये बात हुई कि जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया जा रहा है इन बातों को और बारीकी से देख लेने के लिए उसमें राहुल जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और टेबल पे जहां तक मुझे रिकॉल है ये सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि भाई राहुल जी की उसमें रहने की जरूरत नहीं है, जब कमिटी एक उसको एग्जामिन कर ले, एक रिपोर्ट बना के कांग्रेस प्रेसिडेंट को देगी, तो ऑब्वियसली उनके पास भी वो रिपोर्ट गई होगी और मुझे जहां तक जानकारी ये गई है। तो उसके बाद दोबारा राहुल गांधी बैठे नहीं मीटिंग? नहीं, बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कोई मीटिंग हुई नहीं। प्रियंका गांधी जी? नहीं, वो तो थे ही वहां, उस ग्रुप की मीटिंग में थी वो थी और राहुल के रहने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, ये उनका डिसीजन है कि कौन कमिटी में बैठे और ना बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं कि जो कोई भी बात हो रही होगी उसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष को या एक्स प्रेसिडेंट को ना हो ऐसा संभव नहीं है।